दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सिस टूप्स टू कॉन्क्वर। ये एक कॉमेडी है जिसको लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। इस प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था 1773 लंदन इंग्लैंड में। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्ले की समरी को देखते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल से। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इंग्लैंड के रूरल एरिया में किसी पुराने से घर में रहते हैं जो कि बिल्कुल इनके जैसा लगता है, यानी कि सराय जैसा। दोस्तों ये मिस्टर हार्डकासल पुरानी चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, वहीं इनकी वाइफ मिसेस हार्डकासल हमेशा नई और फैशनेबल चीजों की बात करती हैं। मिसेस हार्डकासल हमेशा लंदन की लाइफ स्टाइल के बारे में बात करती हैं। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमें अपना घर बदल लेना चाहिए और किसी नए घर में रहना चाहिए, लेकिन मिस्टर हार्डकासल कहते हैं कि नहीं, पुरानी चीजें अच्छी होती है, इसलिए तो मेरे पास पुरानी वाइफ भी है। यानी कि वो अपनी वाइफ का मजाक बनाते हुए उसे पुरानी कहते हैं। मिस्टर और मिसेस हार्डकासल की एक बेटी है केट हार्डकासल और इनका एक बेटा भी है टोनी लुमकिन। लेकिन दोस्तों ये टोनी लुमकिन मिस्टर हार्डकासल का सौतेला बेटा है, यानी कि मिसेस हार्डकासल की मिस्टर हार्डकासल से ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उससे ये टोनी लुमकिन पैदा हुआ था, लेकिन अब वो इसी घर में रहता है। लेकिन वो अपने सौतेले फादर यानी कि मिस्टर हार्डकासल को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। और कुल मिलाकर ये है कि टोनी लुमकिन एक आदर्शवादी व्यक्ति नहीं है, ये बिगड़ल और उड़ाऊ टाइप का लड़का है। इस टोनी लुमकिन के अंदर बहुत सारे बुरी आदतें हैं, जैसे अपने फैमिली में किसी की बात न मानना, अपने फादर के रिस्पेक्ट न करना, लो क्लास के लोगों के साथ दोस्ती रखना और बार में बैठकर शराब पीना। अब दोस्तों इसी घर में एक और लड़की रहती है, मिस कॉन्स्टेंस नेविल। ये नेविल मिसेस हार्डकासल की भतीजी है और इसके माता पिता के डेथ के बाद ये मिसेस हार्डकासल के साथ ही इसी घर में रहती है। तो कुल मिलाकर ये कि ये लड़की मिसेस हार्डकासल की जिम्मेदारी है और मिसेस हार्डकासल चाहती हैं कि कॉन्स्टेंस नेविल की शादी उनके बेटे टोनी लुमकिन से हो जाए। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला ये कि मिसेस हार्डकासल ये चाहती हैं कि ये कॉन्स्टेंस नेविल उन्हीं के घर में रह जाए हमेशा के लिए, और दूसरा रीजन ये है कि कॉन्स्टेंस नेविल के माता पिता ने उसके लिए कुछ गहने छोड़ रखे हैं और वो गहने मिसेस हार्डकासल के पास पड़े हुए हैं। कॉन्स्टेंस नेविल को वो गहने तब दिए जाएंगे जब उसकी शादी होगी। इसलिए मिसेस हार्डकासल ये चाहती हैं कि अगर कॉन्स्टेंस नेविल की शादी उनके बेटे से हो जाती है तो वो गहने भी इनके पास हमेशा पड़े रहेंगे। लेकिन टोनी लुमकिन और कॉन्स्टेंस नेविल दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ना ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बल्कि ये कॉन्स्टेंस नेविल तो किसी और व्यक्ति से प्यार करती है जिसका नाम है जॉर्ज हेस्टिंग्स। अब दोस्तों इस घर में मिस्टर और मिसेस हार्डकासल की बेटी केट के लिए रिश्ता आने वाला है और ये रिश्ता लेकर आ रहा है मिस्टर हार्डकासल के एक पुराने दोस्त का बेटा चार्ल्स मार्लो और उसका एक दोस्त जॉर्ज हेस्टिंग्स। दोस्तों ये जॉर्ज हेस्टिंग वही है जो कॉन्स्टेंस नेविल से प्यार करता है। तो दोस्तों इस तरह से इस घर में गेस्ट के आने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस मार्लो और हेस्टिंग इन दोनों को आने में शाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों मिस्टर हार्डकासल का घर भूल जाते हैं और रास्ता पूछने के लिए ये लोग पहुंचते हैं एक बार में, जहां पर इन लोगों की मुलाकात होती है टोनी लुमकिन से। ये दोनों टोनी लुमकिन से कहते हैं कि हमें मिस्टर हार्डकासल के घर जाना है, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि टोनी का नेचर कैसा है। जब टोनी को पता चलता है कि ये दोनों उसी के घर जा रहे हैं तो ये उन लोग के साथ एक प्रैंक करता है। वो कहता है कि मिस्टर हार्डकासल का घर तो यहाँ से बहुत दूर है और रात हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों को यहीं पर कहीं रुक जाना चाहिए। मैं तुम लोगों को एक जगह बताता हूँ जो एक पुराना सा इन है, तुम लोग वहाँ पर रात में रुक सकते हो। अब दोस्तों ये टोनी लुमकिन मिस्टर हार्डकासल के घर को एक इन बता देता है। अब ये दोनों मिस्टर हार्डकासल के घर पहुंचते हैं, लेकिन इन लोग को तो ये बताया गया था कि ये मिस्टर हार्डकासल का घर नहीं बल्कि एक इन है। दोस्तों जब ये दोनों मिस्टर हार्डकासल के घर पहुंचते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मिस्टर हार्डकासल इस इन के मालिक हैं, इसलिए ये लोग उनसे रूडली बिहेव करते हैं। मार्लो का बिहेवियर देखकर हार्डकासल फैमिली को बहुत अजीब लगता है। वो लोग सोचते हैं कि मार्लो बहुत पोलाइट और जेंटल टाइप का होगा, लेकिन ये तो बहुत रूड है। तभी दोस्तों ये कॉन्स्टेंस नेविल हेस्टिंग से मिलती है। नेविल हेस्टिंग से कहती है कि जरूर टोनी लुमकिन ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया है, इसीलिए तुम लोग इस घर को एक इन समझ रहे हो। लेकिन दोस्तों ये हेस्टिंग अपने दोस्त मार्लो को ये सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि हेस्टिंग्स और नेविल ने ये डिसाइड किया था कि ये लोग मिसेस हार्डकासल से गहने लेकर दोनों भाग जाएंगे और इस तरह से भागकर शादी करने के बाद ये लोग अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। और अगर मार्लो इसी कंफ्यूजन में रहेगा तो इन दोनों को टाइम मिल जाएगा प्लान बनाने का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर हार्डकासल को पुरानी चीजों में बिलीव है, इसलिए वो अपनी बेटी केट से बोलते हैं कि तुम बहुत फैशनेबल कपड़े मत पहनना बल्कि सिंपल कपड़े पहनना। और जब केट मार्लो के पास जाती है तो मार्लो उसे बारमेड समझ लेता है। बारमेड उन लड़कियों को कहा जाता है जो लोग बार में शराब पिलाती हैं, इसलिए मार्लो उससे भी ठीक से बात नहीं करता और ना ही उसकी तरफ कोई ध्यान देता है।
उधर दोस्तों टोनी लुमकिन जॉर्ज हेस्टिंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। टोनी कहता है कि मैं अपनी माँ के पास से गहने चुरा कर तुम दोनों को दे देता हूँ ताकि तुम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लो और मैं भी कॉन्स्टेंस से शादी करने के प्रेशर से बच सकूं, क्योंकि मेरी माँ यही चाहती हैं और मैं कॉन्स्टेंस से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। इधर मिस्टर हार्डकैसल और केट को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये मार्लो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन केट मार्लो को पसंद करती थी इसलिए वो पूरी कोशिश करती है कि मार्लो उसकी तरफ ध्यान दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब ये केट बहुत ही कॉमन कपड़े पहनकर आती है एकदम बारमेड टाइप, तब भी मार्लो कॉन्फिडेंटली उससे बात करता है। और वहीं जब ये केट पहली बार उससे मिलने के लिए आई थी तो ये मार्लो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता क्योंकि इसको लगता है कि ये तो बहुत हाई फाई लड़की है। तो दोस्तों असल बात ये है कि ये मार्लो की प्रॉब्लम है, जब ये किसी हाई क्लास की लड़की को देखता है तो ठीक से बात नहीं कर पाता, वहीं कॉमन लड़कियों से इसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब केट को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जरूर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अब दोस्तों टोनी उधर अपनी माँ के पास से गहने चुरा कर हेस्टिंग को दे देता है और हेस्टिंग सोचता है कि मैं इसे अपने पास कहाँ रखूंगा, इसलिए वो मार्लो को दे देता है कि तुम अपने पास कुछ टाइम के लिए इन गहनों को संभाल के रखना। लेकिन दोस्तों मार्लो भी इस जिम्मेदारी से आजाद होना चाहता था, इसलिए वो इन गहनों को उठाकर दोबारा से मिसेस हार्डकैसल को दे देता है और कहता है कि आप इन्हें अपने पास कुछ टाइम के लिए संभाल कर रखिए। तो दोस्तों इस तरह से टोनी ने जो गहने चुराए, इतनी मेहनत की, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि वो गहने दोबारा से मिसेस हार्डकैसल के पास ही पहुंच जाते हैं। अब हेस्टिंग सोचता है कि गहने तो गए लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं कॉन्स्टेंस को लेकर भाग सकूं। वो टोनी से बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, वो गहने दोबारा से तुम्हारी माँ के पास पहुंच गए हैं, इसलिए तुम किसी बग्गी का इंतजाम कर दो मेरे और कॉन्स्टेंस के लिए कि हम लोग यहाँ से भाग सकें। उधर दोस्तों पता चलता है कि चार्ल्स मार्लो के फादर सर चार्ल्स मार्लो भी आ रहे हैं। ये चीज सुनकर हेस्टिंग्स घबरा जाता है, वो सोचता है कि सर चार्ल्स मार्लो तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कॉन्स्टेंस से प्यार करता हूँ और इस तरह से मार्लो को भी पता चल जाएगा कि हम लोग गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह आए हैं, मिस्टर हार्डकैसल के घर पे। दोस्तों इधर मार्लो का बिहेवियर और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था और अब ये सब चीज मिस्टर हार्डकैसल के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो कहते हैं कि अब मैं इस मार्लो को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। लेकिन दोस्तों ये मार्लो केट को पसंद कर रहा था, इसे हालांकि अभी तक ये नहीं पता था कि ये केट मिस्टर हार्डकैसल की ही बेटी है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि मैं केट को पसंद तो करता हूं, लेकिन इससे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लो क्लास की लड़की है और मेरे फादर भी शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों इधर हेस्टिंग्स कॉन्स्टेंस का वेट कर रहा था गार्डन में ताकि वो दोनों वहां से भाग सके, इसलिए हेस्टिंग कॉन्स्टेंस के लिए एक लेटर लिखता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गार्डन में, और वो लेटर मिसेस हार्डकैसल के पास पहुंच जाता है, इसलिए उनको इस बात की भनक लग जाती है कि कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग दोनों भागने का प्लान कर रहे हैं। तभी दोस्तों मार्लो के फादर आ जाते हैं, सर चार्ल्स मार्लो, और इस तरह से सारा सच बाहर आ जाता है। जब मार्लो को सच्चाई का पता चलता है कि वो सही घर में आया है तो उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है अपने बिहेवियर को लेकर। मार्लो मिस्टर हार्डकैसल से माफी मांगता है। इधर मिसेस हार्डकैसल गार्डन में पहुंच जाती हैं ताकि वो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग को रोक सके घर से भागने से, लेकिन वहां पर टोनी लुमकिन मौजूद रहता है। वो अपनी माँ को बग्गी पर बैठा के पूरे टाउन में घुमाता है और इस तरह से गोल गोल घुमाकर उन्हें कंफ्यूज कर देता है। मिसेस हार्डकैसल सोचती हैं कि वो कहीं और आ गई हैं। अब दोस्तों इस प्ले के एंड में सब लोग एक साथ मौजूद होते हैं। हेस्टिंग और कॉन्स्टेंस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग भागकर शादी नहीं करेंगे बल्कि मिस्टर हार्डकैसल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन दोनों की शादी हो जाने दें। और दोस्तों फाइनली उन दोनों के रिक्वेस्ट के बाद मिस्टर हार्डकैसल मान जाते हैं और वो खुद कहते हैं कि टोनी लुमकिन अब बड़ा हो गया है, वो खुद की मर्जी से कोई लड़की पसंद करके शादी कर सकता है। उधर केट और मार्लो की भी शादी फिक्स कर दी जाती है। इस प्ले के एंड में सभी लोग खुश थे, केवल मिसेस हार्डकैसल ही खुश नहीं थी क्योंकि टोनी लुमकिन और कॉन्स्टेंस की शादी नहीं हुई थी।